सच बताऊं पूर्णिमा, मैं तो ये चाहती हूं कि मेरी अर्थी भी यहीं से उठ जाए। खबरदार खबरदार, जो आइंदा कभी भी ऐसी बात कही तो। अच्छा बाबा, नहीं कहूंगी, यही रहूंगी, बस खुश खुश। तीर तो सही निशाने पर लगा है मोहन जी, पर अब देखना यह है कि उसका असर कब रंग लाता है। राणा साहब, असर तो कब का शुरू हो चुका है, लेकिन हमने जिस पर तीर चलाया है उसका नाम देवराज, वो अपनी तरफ इतनी आसानी से जाहिर तो नहीं होने देगा ना। नमस्कार, कहीं आप लोग मुझे देखकर हैरान तो नहीं हो गए? आओ बली आओ। जब्बार खान, उनकी तो अब आप बात ही मत कीजिए, उनकी शक्ल तो आप 5 साल में एक ही बार देख पाएंगे। क्यों भाई, वो कोई नेता वेता बन गया क्या? यही समझ लीजिए, उनके गांव में इलेक्शन है, रूलिंग पार्टी ने हमें टिकट ऑफर किया और वह चले गए। तो फिर एकता नगर के प्रोजेक्ट का क्या होगा? उसकी आप टेंशन मत लीजिए, मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में सब पता है, मैं वो संभाल लूंगा। और वैसे भी देवराज भाई ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया है, शायद उन्होंने वो एकता नगर के प्रोजेक्ट के बारे में उससे बात करनी। बल्ले, देवराज पूरी तरह से फंस चुका है, इसलिए तुम्हें याद किया है। एक बात ध्यान रखना, उसके कहने पर किसी भी पेपर पर साइन मत करना। साइन करना ना करना ये तो मैं बाद में तय करूंगा। अगर एकता नगर को फायदा पहुंचाने के लिए आप लोगों ने जब्बार भाई को देवराज के खिलाफ खड़ा किया है तो कोई बात नहीं, अगर एकता नगर को कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, तो मैं खामखां देवराज से दुश्मनी नहीं ले सकता। अगर देवराज ने वाकई एकता नगर को बसाना चाहा तो मैं उसकी मदद करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ एकता नगर के लोगों का फायदा सोचना, बस। तो मैं कहीं हम पे शक तो नहीं है? बात शक की नहीं, हक की है। अच्छा तो मैं चलता हूं, नमस्कार। मोहन जी, ये तो जब्बार से भी ज्यादा टेढ़ा लग रहा है, और लगता है ये हम ही गलत समझ रहे हैं। राणा साहब आप फिक्र मत कीजिए, खाई में गिरने के बाद ही उसकी गहराई का पता चलता है, इसने अभी देवराज को पहचाना नहीं। बल्ली, मैंने तुम्हें इस बात की खुशखबरी देने के लिए बुलाया कि मैं एकता नगर का फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहा हूँ और उसका मुहूर्त भी निकलवा। आपने ये बात कहकर बल्ली का दिल जीत लिया है। देवराज साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? दिल खोल कर पूछो बल्ली, बेझिझक पूछो। लोगों से आपके बारे में बहुत गलत सुना था, लेकिन यहाँ के पता चला कि शायद लोगों को आपके बारे में कुछ गलत फहमियां हैं, और आज से पहले मुझे भी कुछ गलत फहमियां थी। मैं समझता हूं बल्ले तुम किसकी बात कर रहे हो, हो सकता है तुम्हारे लिए गलत फहमी थी लेकिन उनके लिए ना, क्योंकि वो जानते हैं कि देवराज अगर किसी से दोस्ती करता है तो अपनी जान तक दे सकता है, लेकिन अगर किसी से दुश्मनी करता है तो जान भी ले लेता है। ये आपका जाति मामला है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आपने जो मुझे खुशखबरी सुनाई है वो मैं जाकर एकता नगर के लोगों को सुनाता हूं।
बिल्कुल बल्ली, और मैं एक बात समझता हूँ डेफिनेटली कि मेरे दुश्मनों ने तुम्हें भड़काने की बहुत कोशिश की होगी, बहुत। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस खबर से कम उन्हें इस बात का विश्वास तो हो जाएगा कि देवराज अपनी जबान का कितना पक्का है। अच्छा तो देवराज जी, अब मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। नमस्ते। डैड, आपने क्या कह दिया? आपको अच्छी तरह से मालूम है हमें वहां NRI कॉलोनी बनानी है, तो फिर ये एकता नगर का फाउंडेशन क्यों? और आपको मालूम है कि एकता नगर के एग्रीमेंट में कैसे कैसे पॉइंट्स हैं? उस समस्या का हल हमारे शर्मा जी ने निकाल दिया। मेरा कहते हैं कानून लागू होने से पहले उसका तोड़ निकल आता है। एडवोकेट मोहन ने जितनी होशियारी से एग्रीमेंट में जो पॉइंट्स डाले उसका सिर्फ यही एक रास्ता है। हम एकता नगर का फाउंडेशन स्टोन रखने के कुछ दिनों बाद वहीं के कुछ लोगों को लालच देकर अपने साथ शामिल कर लेंगे, और उन्हें किसी बात को लेकर हम पर केस करवा देंगे। इससे एकता नगर का काम रुक जाएगा और केस सालों साल चलता रहेगा। इतने सालों तक की एकता नगर की एकता अनेकता में बढ़ जाएगी। बस हमारा काम हो गया। वो लोग अपने आप में और केस में उलझ कर रह जाएंगे, और तब तक हमारी NRI कॉलोनी बनकर आबाद हो चुकी होगी। वाह शर्मा जी वाह, मान गए आपके प्लान, मतलब फाउंडेशन स्टोन एकता नगर का और कॉलोनी NRI। वाह कमाल। आप तीनों को इस तरह एक साथ हंसते हुए देखकर मुझे एक बड़ी हिट फिल्म का एक हिट सीन याद आया। फिल्म थी शोले, और सीन कुछ इस तरह कि गब्बर ने अपने साथियों को खूब हंसाया, और फिर क्या तीनों को एक साथ गोली मार दी। पर कितना है कि वहां तीन थे, यहाँ एक है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सर, आप जब हंसते हैं ना तो ऐसा लगता है कि किसी के दरवाजे पर यमदूत ने दस्तक दे दी। बरवारी अंकल, आप डैड को यमदूत कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, आपको पता है यमदूत भी इनसे डरता है। ये वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ते हैं। भाई तभी तो इतने सीवियर हार्ट अटैक के बाद भी यमदूत को बेवकूफ बना के वापस आ गए। अरे बेवकूफ नहीं बनाया होगा, बल्कि उन्हें अपनी ही चाल में उलझा दिया होगा। शर्मा जी, आप भी इस ग्रह शामिल हो गए? नहीं सर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। वैसे हमारे सर जी तारीफ के लायक है नहीं है? क्या सर, तारीफ उसकी की जाती है जो लायक ना हो और तारीफ वाला काम कर। लेकिन आपका काम, आपका तो हर काम महान है सर। ये फालतू की बातें छोड़ो, और जो बकना है ना वो बको। बकवास तो मैंने कर ली, काम की बात ये है कि हमने जो टेंडर भरा था डैम का, वो पास हो गया बिना किसी सोर्स। ओ बनवारी अंकल, अब हमारी कंपनी को ना ही सोर्स और ना ही फोर्स की जरूरत है, नाम ही काफी। सर मैं भी यही चाहता हूँ कि जो नाम है वो यूं ही बना रहे। अगर इंटरवल में क्लाइमेक्स हो गया तो फिल्म अधूरी छूट जाएगी सर। गलत ही बोलेगा, अच्छी बात तो बोलेगा ही नहीं।